खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, मैं आपके साथ दीपक। राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक अग्निकांड सामने आ रहे हैं। आज सुबह राजधानी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में आग लग गई। ये आग एक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में लगी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजधानी में एक के बाद एक अग्निकांड देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल आज सुबह दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में आग लग गई, जिसके बाद आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया गया। आग रात करीबन 2:38 पर लगी थी। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। धुएं का गुब्बार काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह आग पटपड़गंज इलाके के एक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में लगी थी, जिसमें एक शख्स की दम घुटने से मौत हो गई। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दमकल विभाग की माने तो आग पर काबू पा लिया गया है, वहीं कूलिंग ऑपरेशन जारी है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचने के बाद कई लोगों को समय रहते ही बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया था, जहां एक शख्स को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं। वहीं दिसंबर महीने में दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में अग्निकांड हुआ, जिसमें 45 लोगों की जान चली गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद किराड़ी इलाके में आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद पीरागढ़ी की एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई थी। राजधानी में एक के बाद एक आग लगने की घटना सरकार की लापरवाही को साफ तौर पर बयां कर रही है। सरकार दावे तो तमाम करती है कि इस तरह की फैक्ट्रियों को बंद करवाया जाएगा, लेकिन ये दावे कितने सच है ये अग्निकांड की बढ़ती घटनाएं बता रही हैं। फिलहाल पटपड़गंज इलाके में लगी इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन राजधानी में बढ़ती इन आग की घटनाओं पर सरकार को लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।